Good morning everyone, minasan konnichiwa. My name is Shaurajit Singh, but you can call me Tini. Today we are going to discuss about Japanese sound. First, Japanese ke alphabet ke andar vowel already attached hote hain. हमें अलग से वोवल करने की जरूरत नहीं होती. सायोनारा, हम इसे ये एक वर्ड है, ये है एक वर्ड, ये है दूसरा वर्ड, ये तीसरा, ये चौथा. दिस इज वन अल्फाबेट. Sai is one alphabet, Yo is another alphabet, Na is another alphabet, Ra is the last alphabet. Another example? Another example is Pokemon. This is one alphabet, O is one alphabet, K is one alphabet, Mo is one alphabet. Is one alphabet. The N is one alphabet that has not attached with a vowel. हमें इसके साथ कोई vowel लगाने की जरूरत नहीं है. ये हिंदी जैसा होता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं और वैसे ही लिखते हैं, वैसे ही ये है. का, इसे हम बोलेंगे का, ना, दा. ये है एक अल्फाबेट, ये दूसरा अल्फाबेट है, ये तीसरा. हम इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं कनाडा को कनाडा, पर जापानीज में हम प्रोनाउंस करेंगे इसे का ना द. और हम कनाडा को ऐसे लिखेंगे का ना डा, का ना द. और जापानीज में कुछ साउंड एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे कि ड, या ड को प्रोनाउंस करते हैं द, और ल भी नहीं होता, उसे प्रनाउंस करते हैं र. त भी नहीं होता, उसे प्रनाउंस करते हैं त. जैसे मैंने कनाडा, हम कनाडा, जैसे कि मैंने कनाडा को कनाडा प्रनाउंस नहीं किया, मैंने प्रनाउंस किया का ना द. वैसे ही इसके ये का दा प्रनाउंस किया मैंने. ये कनाडा नहीं, ये कनाडा है. अनदर एग्जांपल इज डोरेमोन. हम इसे डोरेमोन नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे दो दो रा ए मो न. दूसरा एग्जाम्पल है डेल. हम इसे बोलेंगे री. और एच जो साउंड होता है वो एग्जिस्ट करता नहीं है, हम उसे कुछ प्रनाउंस भी नहीं कर सकते. और हमारे लास्ट एग्जाम्पल है टोमेटो. हम इसे टोमेटा नहीं प्रनाउंस करेंगे, हम इसे प्रनाउंस करेंगे तो मा तो टोमाटो. हम इसे प्रनाउंस करेंगे ऐसे तो मा तो टोमाटो. दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय.